Hello students, good morning to all of you. Today we have to discuss on a chapter name hardware and software. This is the first chapter. इस chapters में हम लोग देखेंगे कि hardware और software होते क्या हैं और उनका work क्या है. So start करते हैं. यहाँ पे एक आपको picture दिख रही होगी जिसमें ऊपर की ओर आपको computer दिख रहा है और उसके नीचे दो उसके part हैं, उसकी दो branches हैं, एक hardware और एक software. और सॉफ्टवेयर की और दो ब्रांचेज हैं जिन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. ऐसे ही हार्डवेयर की तीन ब्रांचेज हैं जिसमें हम इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसर ब्रांच कह सकते हैं. वो डिवाइसेस जो हमें इनपुट के तौर पे, आउटपुट के तौर पे या प्रोसेसर के तौर पे दिखाई पड़ते हैं फिजिकली, और वर्चुअली जो डिवाइस होते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर के तौर पे देखते हैं. सो देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है. सो पहले स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस से. हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे आपको पता है कि डिवाइसेस विच आर विजिबल एज वेल एज टचेबल, उन्हें हम हार्डवेयर डिवाइसेस कहते हैं. जैसे कीबोर्ड जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर डिवाइस कहेंगे. लेकिन कीबोर्ड एक और फॉर्म में भी यूज़ होता है कि वो डेटा को इनपुट करने के काम में आता है. सो हम उसे इनपुट हार्डवेयर डिवाइस में रखेंगे. ऐसे ही हमारा मॉनिटर आता है जो कि आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस में आता है, क्योंकि मॉनिटर से हम किसी भी चीज़ का रिजल्ट देखने में हेल्प लेते हैं. सो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही डिवाइस कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर बात करते हैं हार्डवेयर डिवाइस की. हार्डवेयर डिवाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तीन तरह के होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस जिसमें कीबोर्ड आ रहा है, माउस आ रहा है, स्कैनर आ रहा है, और फिर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस जिसे प्रोसेसर कहते हैं, फिर आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर और बहुत सारे डिवाइसेस. फिर ये हार्डवेयर डिवाइसेस की मदद से ही हम आउटपुट लेते हैं, लेकिन इनके पास खुद कमांड नहीं होती. इनको कमांड देने के लिए यूज़र या तो खुद कमांड देता है या एक प्रोग्रामर, प्रोग्राम के थ्रू इनको कमांड मिलता है, तब ये वर्क कर पाते हैं. जैसे आपने रिमोट कंट्रोल से अपना टीवी ऑन किया. सो रिमोट तो एक हार्डवेयर डिवाइस है, लेकिन उसके अंदर लगा हुआ चिप और जो आपके टीवी स्क्रीन के अंदर लगा हुआ चिप है वो प्रोग्राम्ड है, तभी आपका रिमोट और टीवी एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं और आपको प्रोग्राम्स दिखाई पड़ते हैं. सो दोनों की मदद से हम वर्क करते हैं, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर. अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की. सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्ड डिवाइसेस होते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन से अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर आर दो डिवाइसेस विच कैन नॉट बी विजिबल और टचेबल, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते. लेकिन कब तक नहीं देख सकते? जब तक कि लाइट प्रोवाइड ना की जाए. सो जैसे ही लाइट हम सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोग्राम्स वर्क करने के लिए विजिबल हो जाते हैं. सो जैसे वर्ड की एप्लीकेशन, वर्ड की एप्लीकेशन तब चलती है जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं, और सिस्टम को ऑन करने के बाद ये एप्लीकेशन हमें स्क्रीन पर दिखाई पड़ती है जिससे हम वर्क कर सकते हैं. किसकी मदद से? हार्डवेयर की मदद से. कीबोर्ड वहाँ पे वर्क करता है. माइक से हम आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पर एक प्रोग्राम होता है जो रिकॉर्ड को स्टोर करता है. ऐसे ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से हम बहुत सारे काम करते हैं. यहाँ पर कुछ डिवाइसेज है जिसमें है सीरीज जो हार्डवेयर डिवाइस है, लेकिन जिस पर स्टोर क्या करते हैं हम प्रोग्राम्स, और मेमोरी के तौर पर यह काम करता है. उन प्रोग्राम्स को हम बाद में यूज़ कर सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही. कल हम फिर बात करेंगे एक नए टॉपिक पर. सो हैव अ नाइस डे. थैंक यू.